शहीदों की माटी में एक ऐसा भी नाम आता है। अरे असली वक्त तो अब आया है जागने का, जित पड़ो जी जान से नया हिंदुस्तान बना देने, कुछ ऐसा करो जिसे सबका फायदा हो, सबकी तरक्की हो, सब सुखी हो। खराज जकात तो मोहताज और मिस्किनों का हक है। जिसे खुदा ने तंदुरुस्ती की दौलत दी हो वो मोहताज कैसे हो सकता है? इस्लाम भिखारियों का मजहब नहीं, मेहनत मजदूरी तो हमारे रसूल भी किया करते थे। तुम यतीमों और बेवाओं का हक छीन कर अपना पेट भरना चाहते हो, बुरी बात। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। बच्चे बड़े होकर दुनिया के सामने सर ऊंचा करके कह सके भारत के रहने वाले हैं। 5 मई 1922 को जन्मे नजीर हुसैन आजादी से पहले 1940 में फौज में शामिल हुए थे। आपने तो आजादी की लड़ाई में खुद भी हिस्सा लिया था ना? हाँ, औरत बच्चों का मुंह छोड़कर स्वदेशी आंदोलन में कूद पड़ा। उस वक्त महात्मा गांधी की पुकार कश्मीर से कन्याकुमारी तक गूंज रही थी, भला कौन घर में बैठ सकता था। लेकिन अंग्रेज हुक्मरानों की अमानवीय करतूतें उन्हें रास नहीं आई, वो बगावत पर उतर आए थे। मिलाकर 12 साल जेल में बिताए। 12 साल? अरे लोगों को फांसियां हुई, काले पानी की सजा हुई, फिर ये 12 साल किसके लिए? उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हर फौज में शामिल हो गए। लेकिन बलिदान की ऐसी भावना होने पर भी हम में एक बहुत बड़ी कमजोरी है। वो क्या? जात पात का आखिर झगड़ा क्यों? ये देश हमारा है, हम इस देश के हैं, मिलकर रहो। बिल्कुल ठीक कहते हैं। 15 अगस्त 1947 में भारत की आजादी की घोषणा के बाद तत्कालीन सरकार ने उन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा दिया था। पहले उस शेर सिपाही की याद में जिसने हमारी फौज में सबसे पहला विक्टोरिया क्रॉस पाया, के बेटे बख्शी दुर्गादास के नाम, जिन्होंने अपने बाप का नाम ऊंचा और रोशन रखा और सन 47 के कश्मीर ऑपरेशंस में महावीर चक्र पाया। उसी दौरान उन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन तथा आजाद हर फौज के क्रिया कलापों पर आधारित फिल्म पहला आदमी में काम किया। ये सिपाहियाना रस हमारे खानदान में जारी रहेगी और इसे जारी रखेगा मेरा बेटा लेफ्टिनेंट रामदेव बख्शी, जो इस वक्त तिब्बत के नथुला बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी दे रहा है, जो उनका यादगार योगदान बना। नजीर हुसैन ने सैकड़ों हदी फिल्मों में भी कार्य किया और जीवंत रोल भी अदा किया। भारतीय सिनेमा के इतिहास में आज तक वो एक अलबेले सितारे की तरह चमक रहे थे। वो मुंबई में रहने के बावजूद हमेशा अपने क्षेत्र से जुड़े रहे। अपने जीवन के अंतिम दौर में जबकि वह टिकुलिया चमके आधी रात भोजपुरी फिल्म का निर्देशन का कार्य कर रहे थे, 25 जनवरी 1984 को उनका निधन हो गया। बेगम, तुम यहां आराम से सो रही हो, तुम मुझे छोड़कर चली गई, अब इस दुनिया मेरा कोई नहीं। बेगम मुझे अपने पास बुला लो। बेगम बेगम अल्लाह से दुआ करो मैं भी तुम्हारे पास आ जाऊं, मैं भी तुम्हारे पास आ जाऊं। उन्हें मुंबई के मलाड स्थित मस्जिद के कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। नजीर हुसैन साहब की ऐतिहासिक और फिल्मी दास्तान आज भी लोगों के दिलों दिमाग में बसी हुई है। अफसोस की बात यह है कि नामचीन हस्ती को याद जिस तरीके से याद किया जाना चाहिए जनपद में ऐसा नहीं हो पा रहा है। सुबह सुबह अपने बच्चे को यहाँ छोड़ जाती है और बांध पर काम करती है, मैं सबकी देखभाल करता हूँ, तेरे बच्चे कोई तकलीफ नहीं होगी। महज इतना है कि उनके गांव के बाहर उनके नाम पर एक द्वार बन गया है जो आते आते बार बार इनकी याद दिलाता रहता है। वर्ष 1960 के दशक में नजीर साहब ने देश की पहली भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहे पेरे चढ़ी बो में बतौर अभिनेता एवं लेखक कार्य किया, जो 16 फरवरी 1962 को पर्दे पर आई तो भोजपुरी जगत में भूचाल सा गया। बहते हैं क्यों गरीब के आंसू जवाब दे। इसके बाद उनका ऐसा सिक्का चला कि वो भोजपुरी फिल्म के जनक बनकर उभरे। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने कमसार फिल्म्स के बैनर तले अनेकों भोजपुरी फिल्में बनाई। इनकी मशहूर फिल्मों में हमारा संसार, बलम परदेसिया, चंदवा के ताके चकोर, चुटकी पर सैनूर, रुट गैलन सैया हमर आदि शामिल हैं।
दोस्तों, भोजपुरी फिल्म के जनक स्वर नज़ीर हुसैन साहब को अपने पैतृक गांव उसिया से काफ़ी लगाव था। वो हमेशा अपने गांव उसिया अपनी पत्नी हिफाजत बीबी के साथ पहुंचकर कमसार सहित अगल बगल में गांवों में जाकर फिल्म की शूटिंग करते थे। यही नहीं, कई बार अपनी पूरी फिल्म यूनिट के साथ भी गांव पहुंचना हुआ था। नज़ीर हुसैन के सादगी से सभी ग्रामवासी कायल थे। कोई देगा कब तक देगा, हाथ हम क्यों फैलाए, क्यों ना इसी मिट्टी से। उनके फिल्मों में पैतृक गांव उसिया के अलावा जनपद के 12 दिलदार नगर स्टेशन, फतेहपुर बाजार, खगनीवन, तहसील जमानिया, वो जनपद मुख्यालय के गंगा घाट सहित बिहार के बक्सर, आरा, डुमराव आदि अन्य स्थान फिल्मांकित हुए हैं। जिन्होंने अभिनय के क्षेत्र में भी न सिर्फ अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया बल्कि क्षेत्रीय भाषा भोजपुरी को भी फिल्मों की दुनिया में ऊंचा मुकाम दिया, वो शख्स थे गंगा पार कमसार स्थित उसिया गांव के स्वतंत्रता सेनानी नज़ीर हुसैन, जिनका शुमार बॉलीवुड के बड़े कलाकार, निर्माता एवं निर्देशक में होता था। पूरी उम्र अपनी माटी से जुड़ने के साथ ही कई सुपरहिट भोजपुरी फिल्मों का निर्माण भी किया, भोजपुरी भाषा को एक अलग पहचान दिलाई। जनपद के अधिकतर गांव वो हर घाटों को अपनी फिल्म में जगह दी, लेकिन इनके गुजरने के बाद जिले वासियों ने इन्हें भुला दिया।